गाइज आज के वीडियो में मैं आपका सिर्फ 5 मिनट लूंगा, ठीक है। इस 5 मिनट में आपको जितना भी पीरियोडिक टेस्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है सभी के सभी क्वेश्चन पेपर आज के वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा। प्योरली ये वन शॉट वीडियो है क्लास 9 का पीरियोडिक टेस्ट का, इसमें कोई भी बकवास बातें होने ही नहीं वाली है। बस यार मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग ये जो 5 मिनट है पूरी तरीके से मेरे को दे देना, ठीक है यार। इसमें अगर आप लोग घपला करोगे तो आपका मार्क्स में भी घपला हो सकता है, ठीक है। मजाक कर रहा था। तो यहाँ पर बकवास बातें ना करते हुए फटाक से स्टार्ट करते। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे वो इंग्लिश का होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश से स्टार्ट करते। तो सिंपली यहाँ पर समझ लो इंग्लिश में जो टोटल मार्क्स है वो 40 मार्क्स का होता है, एज ऑलवेज हमेशा से वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो होगा 3 ही सेक्शन होगा, पहले 4 सेक्शन हुआ करता था, बट अब जो है सेक्शन बी में ही राइटिंग और ग्रामर दोनों आ जाता है आपका, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बी में जो आएगा जितना मार्क्स का पहले आता था उतना मार्क्स का ये भी आएगा, बट उसमें ग्रामर जो है उसका भी मार्क्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड हम लोग का जो लास्ट सेक्शन होगा वो सेक्शन सी होगा, जो कि हम लोग का लिटरेचर सेक्शन होगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा सिलेबस इधर उधर हो सकता है क्योंकि ये जो सिलेबस है ये दूसरे स्कूल का है, ठीक है। हो सकता है आपका स्कूल इससे ना मैच खाता हो, इसका सिलेबस नहीं होता, क्योंकि पीरियोडिक टेस्ट का जो सिलेबस होता है वो आपके सर मैडम ही देते हैं, ठीक है। सो हो सकता है लिटरेचर का सेक्शन ना मिले, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी जो सेक्शन होगा वो काफी ज्यादा सुंदर से डिजाइन किया गया सिर्फ आप ही लोगों के लिए, ठीक है। सो इसको जरूर से प्रैक्टिस कर लेना। अभी हम लोग आगे बढ़ते, मतलब क्वेश्चन पेपर की ओर आगे बढ़ते, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग दूसरा पेपर देखेंगे वो हम लोग का हिंदी का होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंग्लिश कैसा है, यहाँ पर कोई डिवाइड नहीं है सेक्शन वाइज ना ही कोई खंड वाइज, ठीक है। यहाँ पर जो सिंपली 1, 2, 3 नाम का आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी को आप लोग सेक्शन मान सकते हो। एंड यहाँ पर मैं फिर से बोल देता हूँ लिटरेचर सेक्शन हो सकता है नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक स्कूल का जो होगा सिलेबस स्कूल पर ही बनाया जाएगा, तो हर एक स्कूल का डेफर अपकोर्स से करने वाला है, ठीक है। सो सेक्शन सी जो होगा या फिर मान के चलो इसमें जो प्रश्न नंबर 4 होगा या फिर 3 होगा, ठीक है, वो जो है आपका स्कूल से एक बार मैच करा लेना, ठीक है, जो होगा उसी को पढ़ जाना, बट इससे जो अदर क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक बार जरूर से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं अपना थर्ड सब्जेक्ट जो कि होने वाला है मैथमेटिक्स या फिर मैथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमेशा की ऐसा 4 सेक्शन होने वाला है, ठीक है, इसमें कोई घपला नहीं होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। अब यहाँ पर जो सेक्शन ए है उसमें टोटल 4 क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का, सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चन होगा बट 2 मार्क्स का, सेक्शन सी में भी 4 क्वेश्चन होगा बट 3 मार्क्स का, एंड सेक्शन डी में जो होगा हम लोग का 4 क्वेश्चन तो होगा बट 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो आपका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है, ठीक है, और दूसरा आपका पॉलीनोमियल है, यही आपका 2 चैप्टर इंक्लूड होगा, ठीक है। हो सकता है तो ज्यादा से ज्यादा 3 भागेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बट उससे ज्यादा नहीं होने वाला है, हालांकि 1 और 2 ही रखना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका पीरियोडिक टेस्ट 1 मैथ का क्लास 9 का जो है सिलेबस, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो भी बचा है सब्जेक्ट उसको भी देख लेते फटाक से। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग का चौथा सब्जेक्ट है वो हम लोग का साइंस है, ठीक है। अब साइंस में यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो 3 सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अब यहाँ पर आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बायोलॉजी का अलग क्वेश्चन दे देगा, फिजिक्स का अलग देगा और केमिस्ट्री का अलग देगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। मैंने आपको स्पेशली पेपर बनाया है ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बायोलॉजी का अलग रखा है ताकि आप लोग बायोलॉजी पढ़ने बैठो तो सिर्फ आप लोग बायोलॉजी पढ़ो और भी कोई भी सब्जेक्ट कोई भी क्वेश्चन के ऊपर आपका नजर नहीं जाए, ताकि आप लोग भटक ना जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने अलग अलग रखा है, अगर बायोलॉजी पढ़ने बैठते हो तो सिर्फ बायोलॉजी को पढ़ना, फिजिक्स पढ़ने बैठते हो तो फिजिक्स को ही पढ़ना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग पीरियोडिक टेस्ट देने जा रहे हो तो इन सब का आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये काफी ज्यादा एसेंशियल क्वेश्चन है, 3 सब्जेक्ट से मैंने रखा है, जो कि पीरियोडिक टेस्ट 1 का जो सिलेबस है उसी के अंतर्गत रह के मैंने ये सिलेबस बनाया है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और हम उनका जो लास्ट सब्जेक्ट है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने लास्ट सब्जेक्ट जो कि होगा सोशल साइंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो सोशल साइंस है उस पर आपको जैसा कि पता होगा हर एक सब्जेक्ट से एक एक चैप्टर आएगा, जिस तरह हम लोग का सबसे पहला चैप्टर हिस्ट्री का बात करें वो है हम लोग का फ्रांस रिवॉल्यूशन, सो उससे एक चैप्टर हो गया। सिविक्स से आपका एक चैप्टर हो जाएगा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है। अगर आपका ज्योग्राफी का बात कर ले तो इंडिया साइज एंड लोकेशन, और इकोनॉमिक्स का बात कर ले तो द स्टोरी ऑफ पालमपुर, यही आपका 4 होगा चैप्टर सिलेबस में पीरियोडिक टेस्ट 1 में, उसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस टाइप से जो हम लोग का कंप्लीट हो जाता है 4 सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर विद फुल चैप्टर पीरियोडिक टेस्ट 1 का। हाँ तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर देना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक्स के साथ, टिल देन अपना ख्याल रखना, मिलते हैं उस वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत।